आप गैस करो ये किस लिए कर रहे हैं, मुझे बताओ ये किस लिए कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम खाना खा रहे हैं और ये कह रही है कि मुझे भी खाना दो। लड़ गई वो, ले गई है, देख रहे हो खा गई है, साथ में मछलियां भी हैं उसके। बस हाँ कट जान, मैं उन्ना पूरा देना तेन पुदीना रोटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सबके, वेलकम। आ चुके हैं आज हम लोग एक नए व्लॉग के साथ, चौथा तीसरा दिन है आज हमारा यहाँ पे। आज हम लेके आ चुके हैं नया व्लॉग, पराठे खाने हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी, अदरवाइज फिर हम जो भी नाश्ता मिलो करेंगे। लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं अभी क्या बनता है। पार्लियामेंट हाउस है गाइस, जिसको नहीं पता। ये यहाँ पर रात को लोग आके रिफ्रेशमेंट बैठे होते हैं, जिधर आए थे हम। हाँ जी, रात को आए थे जहाँ गाइस, नाश्ता करने के लिए आए हैं पराठे के साथ। अगर तो पराठा मिल गया फिर तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह हाफिज़ है। अब नाश्ता करना है हम लोगों ने, एक रेस्टोरेंट मिला है पाकिस्तानी, अब बहुत से लोगों को पता होगा, पापा रोटी जिसका नाम है, उसके बाहर खड़े हैं, प्रमोशन कर रहा हूँ मैं ये रेस्टोरेंट सामने। अभी हम इसके अंदर आके रोटी खाएंगे, देखते हैं कि कैसा है खाना। पहला रेस्टोरेंट है यहाँ पे आके जिसके अंदर हम लोग खाना खा रहे हैं, लेट्स सी कैसा रहेगा। पेन की तरह ही गर्मी है यहाँ पे। फाइनली गाइस, नाश्ता हमारा आ चुका है, अंडे वाला चना, रोगनी नान, पराठा, ये साथ में उमेर भाई। कितना खाना है ये सारा उमेर भाई खाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, साथ में अपने उमर भाई भी खाएंगे। उमर भाई क्या खाना चाहेंगे आप? उमर भाई का तारफ नहीं कराया ना आपने? पता नहीं, उमर भाई का तारफ नहीं हुआ। मेरे बिजनेस पार्टनर है। अच्छा जी, उमर भाई के बिजनेस पार्टनर हैं उमेर भाई के, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए वापस आ रहा है, हैक हुआ हुआ। और ये वो कंटेंट नहीं बनाते, कंटेंट नहीं बनाते वो पबजी वाला नहीं, नहीं नहीं, इनका दूसरा है रियल कंटेंट। इन्होंने पूरी टीम बुलाई हुई थी अपनी पाकिस्तान से, अभी अकाउंट बैन हुआ इसलिए भेजी है। अभी रिसेंटली हमारा ये तकरीबन 1.5 महीना हुआ है, अकाउंट हैक हुआ है, 6 लाख सब्सक्राइबर्स, 6 लाख फॉलोअर्स जी। तो यही कर रहे हैं कि कब वापस आएगा, तो फिर हम अपनी टीम के साथ प्रॉपर वर्क करेंगे, फिर दोबारा हम शशके मारेंगे ना, आए समझ रहे हो। बाकी शायद आपके थ्रू हम आवाम देखे तो फेस तो पहचानते ही होगी, जानते होंगे कितने बंदे ने थोड़ा फैटी फैटी हो गया, पहले थोड़े स्लिम थे ना। चलो फिर आप, हम खाना स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। हम आ चुके हैं जहाँ पे हमने आना था, ये रेस्टोरेंट है यहाँ का फेमस रिजॉर्ट, सॉरी रिजॉर्ट है, क्या नाम जी, गवाई, गवाई जगह का नाम है। हम यहाँ पे पहुँच जाए हैं, अभी हम लोग यहाँ पे अपनी पार्किंग वगैरह देखेंगे। गवाही, अच्छा रहा गवाही नहीं गवाही, ओ गवाही हो यार, पहन तीसरी। हम यहाँ पे पहुँच जाए हैं, गर्मी बहुत है इसलिए चश्मा पहनना प्लीज माइंड नहीं करना है। थोड़ा बहुत घूमे फिरेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, नहाने वाला सिस्टम है थे, दूसरे पे नहाना है, गर्मी आप है, इन्होंने रात को नलवाना है जब ठंड हो गई, समझ रहे हो। सामने है रेस्टोरेंट, जगह तो अच्छी है यार, जबरदस्त है, और होटल है, मतलब इज्जत रहने दे दी उमेर भाई। असल में मेरे दोस्त यहाँ पे रह के गए हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया था यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी जगह है, वहाँ पे जाना है। ये उमेर भाई की बातों पर बिल्कुल गौर नहीं करना, आपको पता बुढ़ापा आ गया उन पर, VIP मॉल है यार ये है जी। सज्जू, सज्जू बहुत बोलता है ना, उछना को पता होगा, बोटिंग ऐसी भी कर आते हैं हम लोग भी थोड़ी देर में, अभी पहले आगे थोड़ा घूमा है ना, फिर खाने के लिए मुंह भर गया है इसने। आपको चीज फेंको को ना तो ऊपर आएंगी खाने के लिए। ये रीतकिया, ये क्या, अच्छा चीता लगा हुआ है, देख जरा हिरनी को पकड़ने के लिए। ओ ये क्या कद्दू, यहाँ पे क्या कर रही हो, ये बालू से पानी कब से निकालना शुरू कर दिया कद्दू तुमने, चेक ला दिए। उमेर भाई ये कौन है, ये रहा नहीं गया उषना से, रहा नहीं गया मेरे साथ, यहीं पे आ गए, इतना प्यार सच्ची मोहब्बत उषना, यहाँ पे क्या बालू से पानी कौन निकालता भला, वो मगरमच्छ। ये सज्जू है, सज्जू है, ये बड़ा हो गया सज्जू। शीशनाग कौन है, शीशनाग देखा है रियल लाइफ में, ये देख लो शीशनाग,
दी सिरी कैसा सिक्योर शीश नाग बना हुआ है। ये शाना, ये शाने और गेंडिया और भैन दी सिरी कच्छू कुंबे। स्पेशल आए हैं, हमारा कद्दू सरकारी सांड लग दिया, कसम में लग दिया, साखी गुस्सा कर गई। उष्णा हमारी हमें कई नस्लों में मिलती है, कद्दू मज भैंस। अब एक उसकी नई नस्ल है कद्दू की, देख लो ये वो है जिसको से कहते ना कंडे मारती है, ये वही है। अपना आप चेंज कर लिया, अब इसमें आ गई है। देखो गाजर कैसे खा रही है, गाजर चेक करो। उछला इन्ना गतावा खा खा के मज ही पड़ने, उन्होंने अपने आप नहीं चेंज कर ली। शितरमुर्ग यार, इनमें मैंने सुना बड़ी पावर होती है, बंदे भी बैठ के इनके घूमते होते हैं। ये जो छलांगे नहीं मारती बड़ी बड़ी, ये वो चीज वाली दूसरी होती है। आगे चेक करें आगे क्या है, कटिंग ही बंद सी पैंतीसरी बटन मेरा, मैं तो ज़ूम करना सर। नहीं नहीं ये दाढ़ी वाले ये हैं, ये देख रहे हो दाढ़ी वाले, ये गाइस आप दो देख ले तो वो दाढ़ी वाला, इधर दाढ़ी वाले देख लो। ये गर्मी की वजह से अंदर बैठी हुई थी, अभी ये चारा डाला है तो निकल आई, ये देख सकते हो सिंक वाली इतनी। इधर देखो ये क्लीन शेव है, ये क्लीन शेव है, क्लीन शेव है, ये क्लीन शेव है, ये गली शेप वाली है। ईशा ने वो ये तेरी फैमिली है, और दूसरी टूटे मोटे चूहे ईशान को भी तो छोड़ के छोटा सा घर, यकीन है माने इतने इतने बड़े चूहे पार दूसरी, ये देख लो ये चूहा है, मानते हो इस चीज को, ये चूहा है यार। आपने आपको काफी चीजें दिखाई हैं लेकिन आप लोगों ने एक चीज पे गौर नहीं किया, ये जितनी भी चीजें बनी है ना, ये ऐसी चीजें इकट्ठी करके बनी है, गरारी चेन, उसके बाद ये शाख, ये जितनी चीजें होती है ना ये बाइक वगैरह में, ये सब कुछ ये उनसे बना है। ये चेकआउट करो, अब नट बोल्ट सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है, इट्स मीन इस पे बड़ी मेहनत की गई है, ये ऐसे ही नहीं बन गया कि आप लोगों को लग रहा है जी शेप बना दिया। तो चलते हैं वेकेशन पे इस पे के पापा जी, भैन तीसरी नहीं चलता, बाहों त्रोड़ डोलिया ने है सदके जाए। ये इंजन की सीटें रियल है, अच्छा रियल है, इंजन नहीं है, रियल है भाई, सारे बंदे सुन लेना, मजाक चल नहीं रहा इधर, मजाक हो रहा है। ये बहुत पुराने ओल्ड मॉडल हैं, आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि काफ़ी ओल्ड हैं। अब मुझे बता दें भाई कि कौन से मॉडल हैं ये 1960 से पहले की हैं गाड़ियाँ। 1960 मतलब 1960 से पहला। जी जी जी, देखे ना उनकी शेप देख के आपको नजर आ रहा है कि कितनी कितनी पुरानी इन्होंने ये किस्म की यूनिक रखी हुई है अपने लिए। तो उस दौर की आई थिंक वज़ीर-ए-आज़म वाली गाड़ी। हाँ जी, क्योंकि इसके वो दरवाजे दिखा रहे हैं जी, ये काफी महंगी गाड़ी है यार। और ये चेक करें, महंगी मतलब सॉरी पुरानी, ये क्या है, एंटीक चीजें हैं ये, एंटीक तो बैठा भी नहीं जाता, ये वैसे बनाई है इन्होंने। समझते हैं ना बात को, कभी मिलते हैं ना रात को। देख रहे हैं कि हम कश्ती की ऊंचाइयों में जाते हुए, कश्ती की ऊंचाइयों पानी की गहराइयों में, पानी की गहराइयों में जाते हुए हमने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हमने ऑर्डर देना है, साथ में हम अपने बंदे लेके जा रहे हैं ताकि ऑर्डर लेके वापस आए। पब्लिक आप लोगों को मैं बताऊं, आप ये ना समझना कि ये एक जगह पे है, मतलब ये चलती रहती है, ये पानी के अंदर एक किस्म की कश्ती नहीं होती और मच्छी, यार बहुत सारे लोग जानते हैं, बस आपने जो ऑर्डर करना है वो थ्रू बोट वो लेके आएंगे यहाँ। यस, ये घूमती रहती है यहाँ पे, ये एक जगह पे नहीं रहती, सारी साइड पे चलती रहेगी। यार डर लग गई, मच्छी देख लो पब्लिक, मच्छी कह रहा हूँ भैन तीसरी, बतकन बतके हैं बतके। स्टेक खाओगे, स्टेक खा लो, स्टेक मंगा लो, एक ही मंगा लो पब्लिक। मसला एक ये बन गया है कि हम आ गए हैं थोड़े जल्दी और धूप सामने से नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा था शाम को, यहाँ पे 7 बजे के बाद उन्होंने बोला था कि अभी धूप है तो थोड़ी देर बाद आएँ, वहाँ अभी मौसम गर्म होगा। हमने बोला नहीं, हमने बड़ी दूर जाना है सो हमें अभी चाहिए। यार ऐसे आ रही है जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही है, देख खड़ी कैसे है, यकीन मानो आई क्रश हर, यही बात है भाई साहब। ये ऑर्डर लेके आए हैं हमारा खाने का, ठीक है, बाकी छोड़ो पब्लिक, चेक करो वेटर कैसे आ रही है हाथ में उठाया हुआ सामान, जी शशकी है यार, प्रोटोकॉल चेक करो, लड़की का प्रोटोकॉल हमसे ज़्यादा है। रेडियो भाई का दिल आ गया, वहाँ पर टाइम क्या किया जाए, रेडियो कुछ नहीं कर सकता, सेटिंग करवाई जाए कि छोड़ दिया जाए, चादर तक कभी उस
अच्छा ये इनकी स्पेशल डिश है जिसके अंदर, जिसका नाम है कुर्दाक। कुर्दाक कुर्दाक इसके अंदर मीट प्लस पोटैटो आलू, इनका आलू गोश्त है, आलू गोश्त नाम है कुर्दाक। सलाद है स्पेशल, इसके अंदर मच्छी है कच्ची, ये फिश है। आफ्टर 40 मिनट के बाद वेट करने के बाद हमारी स्ट्रीक आ गई है। स्ट्रीक यस स्टेक। आप गैस करो ये किस लिए कर रहे हैं, मुझे बताओ ये किस लिए कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है ये क्यों कर रही है ऐसे? इसका रीजन ये है कि हम खाना खा रहे हैं और ये कह रही है कि मुझे भी खाना दो, समझ रहे हो? इसका तरीका देख रहे हो खाना खाने के लिए, ये कर रही है कब से, पहले दिए हमने बोटी इसको, अब दोबारा से इसने शुरू कर दिया है कि प्लीज गिव मी सम फूड, यू नो। तो ये भूख के लिए कर रही है। अब हम इसको थोड़ा सा देते हैं यहाँ पे हड्डी, चल सकते हैं खुली देने हैं, हड्डी नहीं खानी हमने, हड्डी नहीं खाई है, लड़ गया कसम है, वो ले गई है देख रहे हो, खा गई है, साथ में मछलियाँ भी हैं उसके, बस आ कट जान, मैं हूं रापू रहन देना तेन को दिना रोटी छोड़ो तुम ने खोए नो ज्यादा खा लीजिए। हमारी आइसक्रीम आ चुकी है गाइस, इसका नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लीज एक्सप्लेन मी, आई नीड अ जस्टिस। ओके लड़की का नाम है क्रिस्टीना। यहाँ से हम लोगों ने खाना शाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। बहुत ही अच्छी जगह है, कोई भी किर्गिस्तान में अगर आता है स्टडी स्टूडेंट का वीज़ा पे या कोई भी घूमने आता है रशिया में, इस जगह पे आप लोगों ने ज़रूर आना है। सबसे अच्छी चीज़ ये थी यहाँ पे, जो पीछे वहाँ पे जो हमने खाना खाया क्रिस्टीना जगह पे खाना खाया, खाना जो लड़की लेके आई थी ना क्रिस्टीना, वो अच्छी थी, बाकी कुछ नहीं था। ट्रक नज़र आ रहे हैं ना, ये राइट साइड पे जितने भी खड़े हैं, ये अब दूसरी साइड पे जाएंगे, मतलब दूसरी कंट्री में कजाकिस्तान। यहाँ पे आगे थोड़ी ही देर में, आगे सामने 2 मिनट के बाद कजाकिस्तान का बॉर्डर आ जाएगा, ये सारे कजाकिस्तान जाने वाले ट्रक। गाइस हम लोग आए थे यहाँ पे स्पा सेंटर, स्पा सेंटर यस आए थे हम यहाँ पे, थोड़ा अपने आप को ना मतलब जिस्म को गर्म करने के लिए आए थे, तो कोई नहीं मसला चल सकता, मैं ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आए थे यहाँ पे हमने स्टीम लेने, स्टीम बाथ लेने के लिए आए थे नहाने के लिए, लेकिन मसला ये हुआ है कि आ गए रश बहुत है, कम से कम 30 बंदे हैं, सैटरडे संडे है ना, संडे तो आवाम बहुत ज्यादा है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम जाएं या नहीं, तो देख रहे हैं। अभी उनको बोला कि भाई हमें दिखाओ क्या सिचुएशन है, अगर तो ज्यादा रश है फिर तो हम वापस जाएंगे या कहीं और जाएंगे, और है कोई बहुत ज्यादा कहीं और जाएंगे, नहीं तो फिर हम ही यहाँ ही अपने आप को तत्ता करेंगे, मतलब ना आके जिस्म को। कल मछली यार डर लग रहा है, काला शाही नजर आ रहा हूँ। पब्लिक सीन कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे हमें जगह नहीं मिली, मतलब जगह थी, वो कह रहे थे रुको जाओ ना, लेकिन हमने बोला रश बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। अब जा रहे हैं दूसरी साइड पे, देखते हैं वहाँ पे क्या बनता है, लेकिन ये जगह थी ना जो थोड़े अपर लेवल की थी, इनके पास हर सिस्टम मौजूद था, तत्ता ठंडा गर्म, उसके बाद मतलब हर किस्म की स्टीम थी, स्टीम थी, लेकिन वो रश बहुत ज्यादा होने की वजह से हम लोग नहीं रुके, अब जा रहे हैं दूसरी साइड पे। जो कहते हैं ना हम इतने टेम्परेचर में रह चुके हैं, ये देख लो कितना टेम्परेचर है, नजर नहीं आएगा क्योंकि हीट बहुत है। 90 टेम्परेचर में आज आपका भाई बैठा है 20 मिनट मर के, क्योंकि मैं आया था, ये आपको पता है रशिया की सबसे फेमस चीज़ है स्टीम बाथ, मतलब स्टीम वो क्या कहते हैं उसको यार, स्टीम बाथ करके कहते हैं। इससे ये होता है कि आपकी जितनी बीमारियां होती हैं ख़त्म होती हैं, जिसम आपका बिल्कुल फिट हो जाता है, लेकिन इसमें बैठना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं यहाँ पर आया हुआ था फर्स्ट टाइम एवर, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं फिर घर जाके। यार बालों को इग्नोर करना क्योंकि अभी ना आके निकले वहाँ से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो प्लीज़ अगर लाइक किया लगा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में कल इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखना, गुड नाइट, अल्लाह।